झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर जबरन उड़ान की मंजूरी लेने के मामले में एफआईआर के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई दी है। वहीं इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार देवघर एयरपोर्ट को ठीक से चलाना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मालिक और देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि वह एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है और एटीसी ऑफिस में जा सकते हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी के साथ जाने वाले सवालों पर उन्होंने ये कहा कि सिविल एविएशन कमेटी के सदस्य हैं। सांसद ने यह भी कहा कि हम अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे सोरेन पर सरकार को परेशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में पूरा झारखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि चोरों की सरकार है, अलीबाबा और 40 चोर है ये लोग। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अलीबाबा, हेमंत सोरेन और 40 चोर इनके विधायक है। सांसद ने आगे कहा कि अगर सरकार में दम है तो मिड टर्म पोल कराएं। वहीं अब देखना यह है कि लगातार निशिकांत दुबे मध्य प्रदेश चुनाव की लगातार बात कर रहे हैं, और ऐसे में क्या बीजेपी खेला खेलेगी या फिर जेएम सरकार दोबारा आएगी झारखंड में, या आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि झारखंड का जो खेला है वो बेहद ही बड़ा खेला होने वाला है।